हाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। मैं अनिल के कुमार, इम्प्रिंट एनएलपी मास्टर लाइफ कोच, आज आपका स्वागत करता हूं। एक बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आज आपके साथ जुड़ा हूं। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हूं आपको कुछ नया देने के लिए। दोस्तों, आपने काफ़ी बार सोचा होगा कि क्यों एक व्यक्ति अपने आप को आगे बढ़ने से रोकता है। कहाँ कोई व्यक्ति प्रोग्रेस करने से पहले ही नेगेटिव सोचने लग जाता है। क्यों कोई अपॉर्चुनिटी किसी को दिखाई देती है और किसी को नहीं। जी हाँ दोस्तों, उसका कारण है बिलीफ सिस्टम। आपका बिलीफ सिस्टम, आप किस तरह से किसी चीज़ पे बिलीव करते हो, आप किस हिसाब से उसके प्रति अपनी धारणा रखते हो, और वो आपका धारणा, आपका बिलीफ आपको मेहनत करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हो या सेल्फ डीमोटिवेटेड होते हो। दोस्तों, आज हम इस महत्वपूर्ण इशू पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम क्या है? ये बिलीफ सिस्टम, बिलीफ सिस्टम है एक फीलिंग ऑफ परमानेंस, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। रिजिड हो जाता है आदमी कुछ करने के लिए। फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, ए फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी। जी हाँ दोस्तों, जब भी एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स्ड कन्विक्शन कैसे बनता है, ये फिक्स पैटर्न, इसके लिए चाहिए आपको आपके चारों तरफ जो भी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, जिन चीजों से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, जिन चीजों से आप रेफरेंसेस ले रहे हो, उनको आप किस तरह इंटरप्रेट करते हो, किस तरह परसेप्ट करते हो। आपका परसेप्शन और आपका इंटरप्रिटेशन ही आपके अंदर वो बिलीफ बनाता है, आपके अंदर वो परमानेंट कन्विक्शन बनाता है। दोस्तों, जो ये कन्विक्शन बनता है, ये आपके चारों तरफ से आपने क्या देखा, क्या सीखा, और जो सीख करके जो आपने मान लिया, वही बिलीफ कहलाता है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए इस बिलीफ की वैल्यू कितनी है। यदि आपके पास ये बिलीफ है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं उस चीज को करने में और आप उसमें सफल भी होते हैं। वही यदि आपने मान लिया कि आप इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो जरा सोच के देखिए कि आप उसमें सफल होने के लिए कितना प्रतिशत अपना जोर लगाएंगे, कितना प्रतिशत अपना पोटेंशियल यूज करेंगे। जी हां दोस्तों, जब आप नेगेटिव फ्रेम में होते हैं, जब आपका बिलीफ गलत होता है, तो आप अपने उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए अपना पूरा पोटेंशियल ही नहीं लगाएंगे, तो जरा सोच के देखिए कि आप सफल होने की कितनी संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए आज का टॉपिक, ये बिलीफ सिस्टम। कैसे बनता है बिलीफ सिस्टम? दोस्तों, आपके पुराने एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने रेफरेंसेस, आपके पुराने इंटरप्रिटेशन और परसेप्शन के बेस पे पिलर बनते हैं, और उन पिलर पे जो नींव टिकती है, जो आधारशिला बनती है, जो बिल्डिंग बनती है, वो होती है बिलीफ। जी हाँ दोस्तों, आप किस तरह की सराउंडिंग में रहते हो, किस तरह के लोगों से मिलते हो, किस तरह के विचारों को अपने अंदर आने देते हो, और किस तरह के एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस आप ले रहे हो, उनसे बनता है आपका बिलीफ। जहां आज आप प्रेजेंट में हैं, वहां से आपको जहां जाना है, उस जगह पहुंचने के लिए जो माध्यम होता है, उसे हम बिलीफ कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि आपकी प्रेजेंट स्टेट से आपकी डिजायर स्टेट पे पहुंचने के लिए जो फ्लाईओवर होगा, उस फ्लाईओवर को ऊपर से आप उस सफर को तय करोगे, वो फ्लाईओवर है बिलीफ, से हम बिलीफ कहते हैं। ये बिलीफ बनता है दोस्तों, आपके पास एक कॉन्शियस माइंड है जो किसी भी इवेंट में घुसने से पहले अपने लॉजिक्स लगाता है और अपने लॉजिक्स के बेस पे उसकी तुलना करता है। हम मानते हैं कि आप लॉजिक्स के बेस पे डिसीजन नहीं लेते, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये लॉजिक्स के बेस पे जो आपके पास एक्सपीरियंस पैदा होता है, उससे आपके पास एक फीलिंग पैदा होती है, एक इमोशन पैदा होती है। यदि ये फीलिंग्स पॉजिटिव हैं, तो आपके पास कॉन्फिडेंस की फीलिंग्स आती रहेंगी। वहीं यदि आपके पास ये फीलिंग्स नेगेटिव हैं, तो आपके पास फियर्स की फीलिंग आती रहेंगी, और इन फीलिंग्स के बेस पे आप अपना ओपिनियन बनाते हैं। मैं तो इसको जानता हूं, मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूं, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मैं इस रिलेटिव को जानता हूं, इस रिश्तेदार को जानता हूं, इसके बिहेवियर को जानता हूं, इस बिजनेस को जानता हूं, इस प्रोडक्ट को जानता हूं, और उस एक्सपीरियंस के बेस पे, उस फीलिंग के बेस पे आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं। और वो ओपिनियन जब आपके इमोशंस के साथ अटैच होता है, और वो आपका एक परमानेंट कन्विक्शन का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, तरह तरह की कहावतें आपके चारों तरफ हैं जो आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ परमानेंस क्रिएट करती हैं, जो आपके अंदर एक विश्वास क्रिएट करती हैं, जिसको आप मान लेते हैं।
और जब आप मान लेते हैं मैं एनएलपी लाइफ कोच हूं, मैं एनएलपी की भाषा में आपको बताऊं, तो आपका इंटरनल इकोलॉजी आपको सपोर्ट करती है उसी के बेस पे। जिस तरह का आपका बिलीफ होता है उसी तरह की एनर्जी वो आपके अंदर डालती है, उसी तरह के थॉट्स आपके अंदर डालती है, उसी तरह के इफर्ट्स आपको करने के लिए आपके बिहेवियर को क्रिएट करती है। जब ये बिलीफ ये एक्सपीरियंस अच्छे हैं तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा, एक अच्छी सोच आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यदि ये एक्सपीरियंस गलत रहा और यदि आपने अपने इन लाइफ इवेंट से गलत एक्सपीरियंस अपने अंदर क्रिएट कर लिए तो वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, वो आपके पैरों की बेड़ियां बन जाएंगे। दोस्तों आपके पास बहुत से ऐसे इवेंट अभी भी पड़े हैं जिनको आपने मान लिया है या जान लिया है। जानने का मतलब यह है कि वो चीज़ सत्य है, जो चीज़ आपने बिल्कुल तह तक जान ली और उसको आपने इंप्लीमेंट किया, इसका मतलब आपने उसको जान लिया है। यदि आपने किसी कहावत के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, लोगों के कहने के बेस पे, या बार बार आपके साथ घटित हुआ उसके बेस पे आपने इंटरप्रेट करके उसको रिसीव कर लिया, अगर आपने उसको मान लिया तो आप उसमें अपना इफर्ट्स नहीं लगाएंगे, आप उसमें और आगे बढ़ने के लिए नए रास्ते नहीं ढूंढेंगे और आप उस चीज़ को मानकर अपने आप को थाम लेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए अमूमन होता है, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यदि उसका टीचर ये कह देता है कि वो नहीं कर सकता, यदि वो मान ले कि वो नहीं कर सकता तो लाइफ टाइम उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा। यदि वो बच्चा ये ठान ले कि मुझे तो करके दिखाना है तो उसको कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर इंटरप्रिटेशन, आपका इंटरप्रिटेशन आपके बिलीफ को क्रिएट करता है, आपकी परमानेंस को, आपकी रिजिडिटी को और आपकी फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी को क्रिएट करता है। दोस्तों आपका इंटरप्रिटेशन, आपका परसेप्शन, आपके जीवन के इवेंट्स से जो आपने परसेप्शन लिया है, जो इंटरप्रिटेशन लिया है, जो रेफरेंसेस आपने समाज, सोसाइटी और अपने एक्सपीरियंसेस से लिए हैं, वो रेफरेंसेस आपके उस फ्लाईओवर के पिलर हैं जो आपको आपके प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक ले जाने का काम करने वाला है। इसलिए अपने इन बिलीफ्स पर पूरी तरह फोकस रखें और फोकस रखते हुए इनको और बेहतर बनाएं। जहां बात करते हैं हम आशावादी और निराशावादी कॉन्सेप्ट पर, यदि कोई आशावादी है तो हमेशा आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है, जबकि निराशावादी व्यक्ति है वो वहीं पर रुक करके अपने आप को असहाय और निर्बल फील करता है। जो आशावादी जो लोग होते हैं उनका परसेप्शन बहुत बढ़िया होता है, वो अपने आप को अपनी क्षमताओं से अधिक देखते हैं और वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। उनके अंदर एक सर्टेनिटी, फीलिंग ऑफ परमानेंस, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी बनी रहती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है। वही निराशावादी व्यक्ति में सारी चीजें नेगेटिव होती हैं, वो अपने आप को असहाय, दुर्बल और असक्षम समझता है। दोस्तों एक स्टोरी याद आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों यूएसए की एक साइकोलॉजिकल टीम ने एक शराबी के परिवार पर रिसर्च की और उसको जानने की कोशिश की। उसके दो बच्चे थे, दोनों अपने अपने फील्ड में काम कर रहे थे और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो अपने अपने पालन पोषण के साथ में बड़े हुए। जब वो बड़े हुए तो उनको 20 साल बाद दोबारा दोनों को एक्सेस किया गया तो पाया गया कि शराबी का एक बच्चा अपने आप को अपने पिता की तरह ही शराबी बनाए हुए शराब में दूध था, तो दूसरा बच्चा अपने आप को एक बड़े लेवल पे ले जा करके अपने आप को एग्जिस्ट कर चुका था। तब उन दोनों से पूछा गया, सर्वे टीम ने दोनों से जानने की कोशिश की कि तुम्हारी इस दशा का कारण क्या है, तो दोनों ने एक ही जवाब दिया। दोनों का कहना था कि जिसका पिता शराबी हो तो वो इससे बेहतर और क्या कर सकता है। दोस्तों एक ने उस चीज को किस तरह इंटरप्रेट किया, उसने इंटरप्रेट किया कि पिता शराबी है तो बेटा शराबी ही बनेगा, दूसरे ने उसी चीज को कैसे इंटरप्रेट किया कि पिता ने शराब पी के जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं क्यों करूंगा, तो मुझे तो इस चीज से लर्निंग लेनी चाहिए। तो मुद्दा यह है कि आप किसी भी एक्सपीरियंस से, किसी भी लाइफ के इवेंट से, किसी भी आपके चारों तरफ घट रही घटनाओं से और समाज में हो रहे माहौल से आप लर्निंग क्या ले रहे हैं, आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, आप परसेप्शन क्या कर रहे हैं, वो आपका बिलीफ बनाता है और वो बिलीफ आपको आगे बढ़ने के लिए या पीछे रुकने के लिए दोनों तरफ आपको खींचता है। यही आशावादी और निराशावादी सोच का नतीजा है। जो आशावादी होगा वो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होगा, जो निराशावादी होगा वो वहीं रुककर अपने आप को असहाय, दुर्बल और असक्षम समझता रहेगा। दोस्तों जहां हम बात करते हैं आज सोशल बिलीफ्स की, तो कितने ही हमारे पास ऐसे सोशल बिलीफ्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आपने दादा दादी नाना नानी से बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, उसमें सुना होगा कि पैसा बीमारियों की जड़ है, आपने बहुत सा सुना होगा कि पैसा तो हाथ का मैल है,
पैसा कमाना आसान नहीं है, जिम्मेवारियों का बोझ के तले कंधे दब जाते हैं। ये सभी तरह की बिलीफ्स यदि आपके माइंड में है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपने जब ये मान लिया है कि सफलता आसान नहीं है तो आप उसमें इफर्ट्स ही कितने करोगे? जब आपने मान लिया है कि पैसा हाथ का मैल है तो आप पैसा कमाने के लिए इफर्ट्स क्यों करोगे? आपने मान लिया है कि जिम्मेवारियों से तो कंधे दब जाते हैं तो आप जिम्मेवारियां क्यों उठाना चाहोगे? और ये बिलीफ आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे होंगे, तो इन बिलीफ्स को आज तोड़ने की जरूरत है, इन बिलीफ्स को आज चेंज करने की जरूरत है। और अब आप ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह से इन बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह इन पैटर्न्स को तोड़ सकते हैं, किस तरह से अपने इमोशंस को दोबारा इग्नाइट कर सकते हैं और अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड कर सकते हैं। दोस्तों, इन बिलीफ्स को, इन पैटर्न्स को, पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, पुराने बिलीफ्स को तोड़ने के लिए और नए बिलीफ बनाने के लिए आपको जरूरत है कि आपके चारों तरफ हो रहे जो भी इंसिडेंट है, जो भी इवेंट है, उनको ध्यान से देखें और उनका इंटरप्रिटेशन करें, उनका परसेप्शन करें इस तरह से कि आप अपने सफलता के फ्लाईओवर के लिए पिलर बना रहे हैं। और जैसे जैसे आप उनके लिए पिलर बनाते जाएंगे, जैसे बेहतर पिलर आप बनाते जाएंगे, उतने ही बेहतर, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फ्लाईओवर होता चला जाएगा और उतना ही नज़दीक आपकी सफलता होती चली जाएगी। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखें, हमेशा अपने आप को आशावादी रखें, आप हमेशा अपने आप को उस इवेंट से लर्निंग लेने की तरफ बढ़ें। यदि आपको कोई चीज़ रोक रही है, यदि आपको कोई फीलिंग्स रोक रही है, तो एक बार रुक करके अपने आप से पूछें, क्या यह यूनिवर्सल सत्य है? यदि हाँ, तो छोड़ दीजिए उस रास्ते को, दूसरे रास्ते को अपनाइए। यूनिवर्सल सत्य यदि वो नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई थी, किसी ना किसी ने तो की थी। एनएलपी की बहुत ही बढ़िया एक पोजीशन मैं आपको आज देता हूं कि उसमें कहा गया है कि वन मैन कैन डू देन अनदर मैन कैन लर्न टू डू। यदि किसी ने भी इस दुनिया में, समाज में, सृष्टि में किसी ने, किसी भी व्यक्ति ने यदि उस काम को किया है तो आप भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, उसके दो हाथ थे, दो पैर थे, तो आपके पास भी दो हाथ दो पैर हैं, आप भी कर सकते हो, बशर्ते कि आप उसी तरह की रेसिपी, उसी तरह का परसेप्शन, उसी तरह का इंटरप्रिटेशन लेकर के आप अपने सफलता के फ्लाईओवर रूपी बिलीफ को पिलर दे पाएं, उसको स्ट्रेंथन बना पाएं। निराशावादी में जहां आपके पास कंट्रोल्ड पोटेंशियल होता है, वहीं आशावादी में आपके पास एक रिलीज पोटेंशियल होता है। निराशावादी में जहां एक कंट्रोल्ड पैराडाइम होता है, वही आशावादी में एक रिलीज्ड पैराडाइम होता है। जहां निराशावादी में लोगों का फोकस सिर्फ समस्याओं पे होता है, वहीं आशावादी में लोगों का फोकस समाधानों पे होता है। निराशावादी लोग कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल, वहीं आशावादी लोग कहते हैं इट इज क्वाइट पॉसिबल। निराशावादी लोगों के पास इनसफिशियंट रेफरेंसेस होते हैं, वहीं आशावादी लोगों के पास सफिशियंट रेफरेंसेस होते हैं, सफिशियंट इंटरप्रिटेशन होते हैं और बेहतरीन बिलीफ होते हैं। और ये पिलर जब उनके पास होते हैं तो उनका जो फ्लाईओवर होता है, उनका जो सफलता का फ्लाईओवर होता है, जो प्रेजेंट स्टेट से डिजायर स्टेट तक ले जाने के लिए जो फ्लाईओवर बनता है, वो एक बेहतरीन फ्लाईओवर बनता है और उसको कोई भी बाधाएं रोक नहीं पाती और वो सफलता के शिखर तक पहुंचता चला जाता है। जो वो सोचता है वो पाता है, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी डेस्टिनी डिजाइन करते हैं, आपके थॉट्स ही आपको पीछे रोकते हैं। इसलिए हमेशा अपने थॉट्स पर एक फिल्टर लगाइए कि क्या ये थॉट्स आपके लिए प्रोडक्टिव है या ये थॉट्स आपको अनप्रोडक्टिव इश्यूज में इन्वॉल्व कर रहा है। यदि वो अनप्रोडक्टिव इश्यूज में इन्वॉल्व कर रहा है, उसको ब्रेक कीजिए उस पैटर्न को और प्रोडक्टिव इश्यूज पे फोकस करना शुरू कीजिए। दोस्तों, जो चीज़ें हमने आज आपके साथ डिस्कस की है, इन पर आप फोकस करके देखिए, आप अपने प्रेजेंट स्टेट से और डिजायर स्टेट तक जाने के लिए जो बिलीफ रूपी फ्लाईओवर आप बनाओगे, वो उसके लिए जो पिलर आप दोगे, जो स्ट्रेंथन अपने पिलर्स को दोगे, जो इंटरप्रिटेशन, जो परसेप्शन, जो रेफरेंसेस, जो एक्सपीरियंसेस आप अपने फ्लाईओवर को स्ट्रेंथन देने के लिए, तो वो पिलर आपको सही मंजिल पे, सही समय पे और सही सक्षमता के साथ आपके पोटेंशियल के अनुसार आपको पहुंचाएंगे। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को यूज करके आप अपने बिलीफ के पैटर्न को ठीक करेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करेंगे और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ये वीडियो आपको ऐसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और कौन सा ऐसा बिलीफ था जो आपको रोके बैठा था और जिसको आपने तोड़ा है, वो जरूर लिखें, ताकि इस वीडियो को देखने वाले लोगों को एक रेफरेंस मिले कि हां, मेरे एक दोस्त ने बिलीफ तोड़ा है, मैं भी तोड़ करके अपने जीवन को सक्षम बनाऊंगा, सफल बनाऊंगा। और मेरा मिशन सिर्फ लोगों के जीवन में एक सकारात्मकता लाने का है, मेरा मिशन लोगों को सफल बनाने का है, मेरा मिशन एक नई एनर्जी उनके अंदर डालने का है। तो मैं आशा करता हूं यदि आप उन पर कमेंट्स करोगे तो लोगों में एक जुनून आएगा और आप सफल होंगे तो मैं सफल होऊंगा और आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।